करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर सीजन में ठंड का चौथा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सीजन में पहली बार इतनी ठंड हो रही है। 20 शहर ऐसे हैं जो कि कोल्ड डे जो है उसकी श्रेणी में आ रहे हैं। इंदौर, उज्जैन और रतलाम में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। लगातार जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, इसके बाद 20 शहर ऐसे हैं जहां पर कोल्ड डे जो है वो घोषित किया गया है। भोपाल में भी पारा 7 डिग्री के आसपास है। वहीं कलेक्टर साहब की बात की जाए तो कलेक्टर साहब को भोपाल में ठंड महसूस ही नहीं हो रही है। अब इसे सत्ता की गर्मी कहें या रूम का हीटर, जिसके कारण ठंड महसूस नहीं हो रही है कलेक्टर साहब को, ये तो कलेक्टर साहब ही जानते हैं। मासूमों पर रहम करो कलेक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से ठंड का पारा है सामने आ रहा है, कोल्ड डे घोषित किया जा रहा है, लेकिन भोपाल में कलेक्टर साहब जो हैं उन्हें ठंड नहीं लग रही है। आशीष हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, प्रदेश बर्फीली हवाओं से ठुठुर रहा है। देखिए रुमिता, लगातार 3 दिनों से जो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे मौसम विभाग ने एक बार और साफ कर दिया है कि सोमवार को भी ज्यादातर हिस्सों में ठंड से राहत नहीं मिली है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों के बीच भी अमूमन मध्य प्रदेश में यही स्थिति रहना है। जबकि इसके अलावा जो शहर है, रतलाम की बात हो, उज्जैन या इंदौर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि आमतौर पर कार्यालयीन समय 10 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार होते हैं, तो सबसे ज्यादा सामना ठंड का इन्हें ही करना होता है। और मध्य प्रदेश में ज्यादातर शहरों में जब स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, तो राजधानी भोपाल में अभी तक इस तरह का कोई डिसीजन कलेक्टर की तरफ से नहीं लिया गया है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कलेक्टर भोपाल जो है वो मौसम विभाग की रिपोर्ट देखेंगे सोमवार को, और उसके बाद किसी तरह का डिसीजन लेंगे, क्योंकि उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण भोपाल समेत ऐसे 20 प्रदेश है मध्य प्रदेश के जहां पर कोल्ड डे रविवार को रहा है। दरअसल रोविता, कोल्ड डे का मतलब साफ होता है कि जब दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री और रात का तापमान 10 डिग्री से कम हो जाता है, तो कोल्ड डे कहलाता है। भोपाल की स्थिति अमूमन यही बनी हुई है पिछले 1-2 दिन से, और इस तरह से यदि कलेक्टर साहब के द्वारा इसका डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो एक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाली बात सामने आ रही है। ऐसे में ये कलेक्टर को डिसीजन लेना है कि चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष जी।